बिसमिल्ल रुखा रहीम अलकुम प्यारे व्यवर्स कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे अल्लाह ताला हमें इस बारकत महीने की तमाम नेमतें और रहमतें नसीब करें और हमारी तोबा को और हमारी इबादतों को कबूल मंजूर फरमाए आमीन तो फ्रेंड्स आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी और ये अगर जो लोग डाइट करते हैं जो लोग डाइट कॉन्शियस हैं उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है तो चलें स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैंने एक बाउल में दो दर्द अंडे लिए हैं और उसे हैंड बीटर की मदद से बहुत अच्छे से बीट करना है हमने इसे तकरीबन दो से तीन मिनट लाजमी बीट करना है ये देखें ये माशाल्लाह से हमारे क्रीमी फॉर्म में आ चुके हैं अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी नमक हंसबे ज़रूरत और अब मैं इसके अंदर ऐड करने जा रही हूँ हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही मैं इसके अंदर सुरख कुटी हुई मिर्च मिर्च ऐड करूँगी कुटी हुई और फिर अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब मैं इसके अंदर ऐड करने जा रही हूँ तकरीबन दो दो टेबल स्पून के के देखें दो टेबल स्पून मैं इसके अंदर ऑयल ऐड करती हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और अब मैंने हाफ प्याली चिकन ली है जिसे बॉईल करके इस तरह से रेशे कर लिए ना बहुत ज़्यादा बारीक ना बहुत ज़्यादा मोटे और दो टेबल स्पून मैंने गाजरें ली हैं और दो टेबल स्पून ही शिमला मिर्च ली है जिन्हें देखें क्यूब की शक्ल में बारीक बारीक कट कर लिया है और दो टेबल स्पून ही मैंने सबस प्याज लिए हैं तो ये देखें ये हम अब इसके अंदर ऐड कर देंगे इन सब चीज़ों को और अगर आप लोगों को सब प्याज ना मिले तो आप स्किप भी कर सकते हैं तो अभी हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब हैंड बीटर को एक साइड पे रख देते हैं अब मैं इसके अंदर ऐड करने जा रही हूँ एक कप मैदा जिसे मैंने पहले अच्छे से स्टेंग कर लिया था और अब मैं इसे स्पून की मदद से अच्छे से मिक्स करूँगी हमने इसे अच्छे से मिक्स करना है ताकि कोई लम्स ना रहे ये देखें ये हमारा अच्छे से रेडी हो चुका है और अब मैं इसके अंदर ऐड करने जा रही हूँ हाफ़ कप मोज़रेला चीज़ ये मोज़रेला चीज़ भी टोटली totally ऑप्शनल है आप लोग अगर स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं तो जब ये देखें ये हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है ये देखें ये हमारे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब मैं इसके अंदर है ऐड करूँगी वन टीस्पून बेकिंग पाउडर याद रहे कि बेकिंग पाउडर हमने सबसे एंड में ऐड करना है ये देखें ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये हमारा मेज़ा रेडी है तो अब हम लेते हैं सैंडविच मेकर और उसे ऑन करके थोड़ा सा गर्म करके उसके ऊपर ऑयलिंग कर लेते हैं ब्रश की मदद से ये देखें हल्की सी ऑयलिंग कर ली अब हमने वन टेबल स्पून अमेज़ा लेना है ये देखें ये हमारी ऑयलिंग हो चुकी है अच्छी सी अब हम इसके अंदर वन टेबल स्पून अपना मेज़ा लेंगे और वो हम इस तरह से सेट करते जाएंगे ये देखें हमने अपना सैंडविच मेकर ऑन ही रखा हुआ है और इस तरह से हम इसे कर लेंगे ये देखें तो इस तरह से हमने सारे रख लिए अब हम इसे बंद कर देंगे तो देखिए हमारी ग्रीन लाइट नहीं ऑन जब हमारी ये ग्रीन लाइट ऑन हो जाएगी तो हमने इसे पाँच मिनट के लिए ऑन रहने देना है ये देखें ये हमारी ग्रीन लाइट ऑन हुए, हुए को तो फाइव मिनट हो चुके हैं तो अब हम इसे ओपन करते हैं तो ये देखें माशाल्लाह से हमारे ज़बरदस्त से सैंडविच रेडी हो चुके हैं ये देखें हमारे चिकन सैंडविच रेडी हो चुके हैं और अगर आप लोग अफ्तारी के टाइम पकौड़े की जगह ये इस्तेमाल करते हैं तो क्या ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट है और बहुत ही लाइट से तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी जजाक